नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जेसल शेठ है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में एज ए पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक और न्यूनेटल आईसीयू स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चों में बार बार फीवर आ रहा है, तो बार बार फीवर आने की क्या वजह हो सकती है, और ये भी पूछते हैं कि बच्चे इम्यूनो डेफिशियंट है कि नहीं। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों में या हम में जन्म पे टाइम पे कोई भी एंटीबॉडीज बने नहीं होते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन का एक्सपोजर होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू करती है, और जो जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होते हैं उतने इन्फेक्शन हमें नहीं लगते हैं या फिर कम से कम लगते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइन है वैक्सीन की, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों को सारे वैक्सीन नहीं लगे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सारे वैक्सीन लगे, उसके टाइम पे लगे, ताकि उतने डिजीज हम प्रिवेंट करें। उसके अलावा अलग अलग जगह पे अलग अलग वजह से अगर बच्चों का इन्फेक्शन से एक्सपोजर होता है, तो वो इन्फेक्शन से उनको डिजीज होने का चांस होता है। जैसे कि कोई कोई एयरबोन डिजीज होते हैं जिसमें ड्रॉपलेट होते हैं, जो अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। कोई कोई डिजीजेज वाटरबोन होते हैं, अनहाइजीनिक वाटर पीने से डिजीजेज हो सकते हैं। कोई कोई डिजीजेज है वो टच होने से होते हैं या फिर ब्लड एक्सपोजर से होते हैं। बट एक्सपोजर के बिना नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर बच्चों को बैक टू बैक इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, उनका एपेटाइट पुअर होने की वजह से थोड़ा सा वेट लॉस होता है, उसकी वजह से भी उनका जो फाइटिंग कैपेसिटी होता है नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए, वो कम होना चालू होता है। तो कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम है उसकी वजह से उनको बैक टू बैक इन्फेक्शन लग रहा है, बट ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है कि उनका बैक टू बैक एक्सपोजर हो रहा है। उनका बॉडी है वो फर्स्ट इन्फेक्शन के रिकवर हो रहा है, उसी फेज में उनका दूसरे इन्फेक्शन से एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से दे आर फ्रेजाइल टू कैच द रिपीटेड इन्फेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करें। अगर कोई बच्चों को सर्दी खांसी है, तो उनसे थोड़ा सा एक्सपोजर कम करें। ये वजह से हम लोग बच्चों में इन्फेक्शन होना प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज भी बनते हैं। इन्फेक्शन अगर थोड़े सिम्टम्स आते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती है और रिकवर हो जाते हैं, तो उसके लिए इतना वरी नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई इन्फेक्शन की वजह से बार बार एडमिट होना पड़े या इंजेक्शन की ट्रीटमेंट लेनी पड़े या आईसीयू में जाना पड़े, तो ये जब बार बार रिकरेंट होता है, तो हम भी एज ए डॉक्टर्स वरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी है कि नहीं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन के पास लेके चाहिए, इवेल्युएशन करवाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।